भाई इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। जिस तरह से कोरोना वायरस को देखते हुए लॉकडाउन किया गया है और आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है, लेकिन इस वक्त मौजूद है हम मुंब्रा के हसमत चाल में जो रशीद कंपाउंड पे पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से जो उत्तर प्रदेश के लोग रहने वाले हैं वो लोग किस तरह से अब सड़कों पर उतर गए हैं। ये लोग दाने दाने को मोहताज है इस लॉकडाउन में। ये यहाँ पर कोई बेकरी में काम करता था, कोई बेगारी का काम करता था, लगातार यहाँ पर जो है ये लोग अब सड़कों पर उतर गए हैं। पुलिस का भी भारी बंदोबस्त यहाँ पर लगाया गया। आपको दिखा दे कि किस तरह से जो है यहाँ पर पुलिस भी भारी बंदोबस्त में लगी हुई है। हम इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर ये लोग इस तरह से क्यों सड़कों पर उतरे, क्यों आप लोग सड़क पर उतरे? लोग साहब खाना खाने का पैसा नहीं है, घर जाने का है। सर ये बताइए कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अभी आदेश दिया हमने उसको बखूबी फॉलो किया, अब ना तो हमारे पास पैसा रह गया है और ना राशन रह गया है, रूम का भाड़ा भरना है, आदमी मकान मालिक एक भी रुपया हमको छूट नहीं देगा सर। तो हमको कोई रास्ता बनाया जाए ताकि हम लोग अपने घर पहुंच जाएं। हमको यही चाहिए सर, गांव जाने का, हम लोग का व्यवस्था दे कहाँ जाने का। राशन पानी नहीं मिल रहा है, जो यहाँ के नगर सेवक हैं, यहाँ के जो नगर सेवक हैं वो लोग आप लोग को राशन पानी दे रहे हैं या नहीं दे रहे? देश का भेजो साहब, गांव कहाँ के रहने वाले आप लोग, कहाँ के रहने वाले लोग? आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो ये उत्तर प्रदेश के लोग हैं, ये लोग जो है यहाँ पर हैं, इनका कहना है कि इनके पास राशन नहीं है, ना ही इनके पास खाने की व्यवस्था। ये लोग गांव जाना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से 3 मई तक जिस तरह से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है दूर, जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और भी लोगों से हम बात करना चाहेंगे यहाँ पर कि क्या नाम है आपका? मोहम्मद याकूब। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी का। क्यों आप लोग क्यों सड़कों पर क्यों उतरे? क्या करो, 3-4 दिन से भूखे पड़े, ना कुछ हम लोग को खाना मिला, ना पानी मिला, 3-3 बच्चे हम लोग को भूखे पड़े हैं घर में। हम लोग करें क्या, ना गांव जाने दे रहा है, ना हम लोग को खाना दे रहा है। क्या सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग को खाना मिल रहा है, ना हम लोग को गाँव में जाने दे रहा है, हम लोग यही मर जाए तो मार दिया जाए, हम लोग को मार दिया जाए बिल्कुल। अब हम लोग से बर्दाश्त नहीं है भूख प्यास, एक तो मार ही दिया जाए हम लोग को, ये तो हम लोग को हमारे गांव भेजा जाए। जिस तरह से आप लोग सुन रहे हैं कि जो लॉकडाउन किया गया है, यहाँ पर लोग जो है किसी भी तरह से इन लोगों के पास जो है मदद नहीं पहुंच रही है, और लोग जो है दाने दाने को मोहताज हैं। अब लोग सड़कों पर उतर गए, अपने गांव जाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि सरकार जिस तरह से लगातार लॉकडाउन बढ़ाई है, 3 मई तक जो है लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। सरकार की भी जिम्मेदारी है कि जिस तरह से जो लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कमाते खाते हैं, उन लोगों तक जो है राशन पहुंचाने का काम भी सरकार को करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो है 3 मई तक अब लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। 3 दिन हो गया हम लोग भूखे मर रहे हैं, हम लोग खाली काम नहीं है, काम करने जाओ तो पुलिस डंडा मार के भगा रही है हम लोग को। सर मेरा नाम है मनोज कुमार, हम लोग 3-4 दिन से भूखे हैं, हम लोग को यहाँ खाना वाना नहीं मिला, हम लोग गांव जाना चाहते हैं, हम लोग यूपी रहते हैं सरा बस्ती। खाना नहीं खाए क्या आप? खाना नहीं मिलता यहाँ, यहाँ मिल नहीं रहा है खाना आप लोगों को, जो बांटने के लिए आते हैं वो एक मिनट। हम लोग को अगर साधन दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं दे रहे हम लोग पैदल निकल रहे हैं, हम लोग पैदल निकल रहे हैं, हम लोग नहीं रुकने वाले हैं। हम लोग मरेंगे तो अपने परिवार के साथ में मरेंगे, मरेंगे तो रास्ते में मरेंगे, बाहर हम लोग को यहाँ रहना नहीं, हम लोग को चले जाना, हम लोग हम लोग को भाई गांव जाना, खाना पानी कुछ ना चाहिए भाई, भेज दो हमें भाई, बस जैसे साधन नहीं दे रहे हैं तो हम लोग को कैसा भी पैदल छोड़ दे, जनता जा पाएंगे तो। आपने सुना कि जिस तरह से जो यहाँ पर उत्तर भारतीय लोग हैं, लोगों का कहना है कि कई दिन गुजर गए हैं, वो लोगों को खाना नहीं मिला है, और
तो वो लोग घर जाना चाहते हैं, लेकिन 3 मई तक जो है लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। ऐसे में सरकार से इन लोगों की मांग है कि जो इन लोगों तक राशन पानी पहुंचाया जाए, लेकिन जिस तरह से 3 मई तक लॉकडाउन है और ये लोग घर जाना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद अब ये लोग सड़कों पर उतर गए राशन पानी की मांग कर रहे। अब देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस किस तरह से अब जो है यहाँ पर मोर्चा संभाल रही है। पुलिस किस तरह से सड़कों पर उतर, जो लोग यहाँ पर कर रहे थे अब उन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। पुलिस का किस तरह से अब देख सकते हैं कि पुलिस अब जो यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे उन्हें हटाया जा रहा है, अब यहाँ से उन्हें खदेड़ा जा रहा है। और देखिए किस तरह से अब यहाँ पर पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है, अब लोगों को यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जिस तरह से ये लोग आज सड़कों पर उतर गए थे, लोग खाना, इनका कहना था कि ये 3 दिन से भूखे हैं, इन्हें खाना नहीं मिल रहा है, और इस वजह से ये तमाम लोग जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं ये बेकरी में बेगारी का काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से जिस तरह से ये इन लोगों ने बताया कि ये खाना नहीं इन लोगों को मिल रहा था, इसकी वजह से ये लोग जो है अब सड़कों पर उतरे। अब पुलिस जो है बल प्रयोग करके इन्हें खदेड़ रही है, इन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। अब पुलिस जो है इन्हें दौड़ा रही है, अब देख सकते हैं किस तरह से पुलिस ने अब इन्हें खदेड़ा है, किस तरह से यहाँ पर अब माहौल है। देख सकते हैं आप, कुछ लोग गिर गए हैं यहाँ पर, लेकिन ये लाठी चार्ज जो है पुलिस कर दी है। किस तरह से आप देखिए, यहाँ पर जो लोग उत्तर भारत के रहने वाले ये लोग थे, और ये लोग जो है भूख से परेशान हैं। इनका कहना था कि इन्हें कई दिन हो गया है खाना नहीं मिला है, लेकिन अब पुलिस एक्शन में आई और इन लोगों को यहाँ से खदेड़ा गया है। कैमरामैन सलमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, फ्राइड टाइम्स, मुमरा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।